हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल डिकोड। सो ये है वीडियो नंबर 4 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज का फॉर NTA UGC नेट क्रैश कोर्स। आगे बढ़ने से पहले हम आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें इसे अपने दोस्तों के साथ। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है टू मेक मोर वीडियोज़ एंड आपको भी नोटिफिकेशन मिले बिकॉज हम आगे जाके पेपर 1 एंड लॉ पेपर 2 के सभी टॉपिक्स के लिए वीडियो बनाने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ टॉपिक। आज हम डील करेंगे विद यूनियन एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव एंड देयर इंटर रिलेशनशिप। ये है आपका सिलेबस का टॉपिक नंबर 2। सो जैसा कि हम सभी जानते हैं, वी हैव अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड इस फेडरल फॉर्म के गवर्नमेंट के कारण वी हैव ड्यूअल लेवल ऑफ फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट्स। वो ड्यूअल लेवल है एट लेवल ऑफ यूनियन एंड एट द लेवल ऑफ स्टेट। नाउ क्योंकि हमारे पास पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वी हैव यूनियन एग्जीक्यूटिव एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव। ना यूनियन एग्जीक्यूटिव में है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, यानी कि टिटुलर हेड है। जो एक्चुअल पावर होता है वो होता है प्राइम मिनिस्टर के हाथ पे। वहीं सिमिलरली स्टेट एग्जीक्यूटिव में वी हैव गवर्नर, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड द चीफ मिनिस्टर। यहाँ पे भी सिमिलर है, जो भी गवर्नर होते हैं उन स्टेट के, उनमें उनके पास सिर्फ टिटुलर पावर होता है। जो एक्चुअल पावर होता है वो होता है चीफ मिनिस्टर के हाथ में। नाउ किन किन प्रोविजन से डील किया गया है यूनियन एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव में, तो वो है पार्ट 4 आर्टिकल 52 से 78 डील किया गया यूनियन एग्जीक्यूटिव से, जिसमें होते हैं हमारे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल मिनिस्टर एंड दी अटॉर्नी जनरल। वहीं आर्टिकल 153 से 167 में डील किया गया है स्टेट एग्जीक्यूटिव, जो कि दिया हुआ है पार्ट 6 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जिनमें की है गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल मिनिस्टर एंड दी एडवोकेट जनरल। ध्यान रखेगा यहाँ पे कोई भी वाइस गवर्नर जैसा पोस्ट नहीं है। नाउ जो इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का, वो कराया जाता है बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज। नाउ इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन लोग होते हैं? इलेक्टोरल कॉलेज में होते हैं द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, तो ध्यान रखेगा यहाँ पे सभी इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर नहीं होते। वहीं सेकेंड होते हैं इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ओनली, नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होते हैं एंड कोई भी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होता है। एंड लास्टली होते हैं इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। नाउ अगर कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, तो ये डील करते हैं सुप्रीम कोर्ट। एंड लास्टली ये बोला गया है दैट अगर कोई भी इलेक्शन हो रहा है प्रेसिडेंट का और उस केस में कोई भी वैकेंसी है किसी भी सीट में, तो उस वैकेंसी के कारण कभी भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन को क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। ये दिया हुआ है अंडर द क्लॉज 4 ऑफ अवर आर्टिकल 71 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि डाला गया था आफ्टर द जजमेंट ऑफ NB खरे वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। एंड लास्टली आर्टिकल 62 बात करता है दैट प्रेसिडेंट का इलेक्शन हमेशा उनके टेन्योर के एक्सपायरेशन होने से पहले पहले हो जाना चाहिए। एंड जहाँ पे अगर सीट जो है वो वेकेंट हो रहा है बिकॉज ऑफ डेथ ऑफ द प्रेसिडेंट या फिर उनके रेजिग्नेशन से, तो इन दैट केस जब भी डेथ या रेजिग्नेशन हो रहा है तो उसके 6 महीने के विदिन इलेक्शन हो जाना चाहिए। नाउ मूविंग ऑन, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए 52, जहाँ पे बोला गया है कि हमेशा एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए इंडिया के लिए। एंड वहीं आर्टिकल 153 बोलता है कि हर स्टेट में एक गवर्नर होना चाहिए। एंड आर्टिकल 53 एंड 154 सिमिलर है, जो कि बात करता है एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द यूनियन और द एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द स्टेट, जो कि बोलता है कि एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द यूनियन प्रेसिडेंट एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नर एक्सरसाइज करेंगे, या तो खुद से इधर बाय हिम और थ्रू हिज ऑफिसर सबॉर्डिनेट, अपने ऑफिसर सबॉर्डिनेट के थ्रू। नाउ एग्जीक्यूटिव फंक्शन देखने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या होते हैं प्रेसिडेंट एंड गवर्नर के। दोनों के दोनों सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, दोनों के दोनों 35 साल के होने चाहिए। प्रेसिडेंट जो है वो क्वालिफाइड होने चाहिए लोकसभा के मेंबर के लिए एंड वो कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करने चाहिए। वहीं गवर्नर के अपॉइंट होने के लिए 2 कन्वेंशन है, जिसमें सबसे पहला है कि वो जिस भी स्टेट में अपॉइंट होंगे वो उस स्टेट के नहीं होने चाहिए, ही शुड बी एन आउटसाइडर टू द स्टेट। एंड सेकेंडली जो भी गवर्नर अपॉइंट होंगे प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करेगा विथ कंसल्टेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ दैट स्टेट। नाउ जो पावर हम डील करने वाले वो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल पावर ऑफ बोथ प्रेसिडेंट एज वेल एज द गवर्नर। नाउ जैसे कि हमने एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट में देखा था कि वो एक्सरसाइज करते हैं या तो खुद से डायरेक्टली बाय हिम और थ्रू हिज ऑफिसर सबॉर्डिनेट। नाउ डायरेक्टली बाय हिम कब कब होता है? जब भी लेट से अगर हंग हाउस हो जाए, यानी कि कोई भी पार्टी मेजोरिटी में नहीं है हाउस में, तो इन दैट केस जो प्रेसिडेंट होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर को खुद से अपॉइंट करेंगे, उनको किसी भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस लेने की जरूरत नहीं होगी। वहीं सेकेंडली जहाँ पे प्रेसिडेंट हाउस को डिसॉल्व कर रहे हैं एंड इस डिसोल्यूशन में कोई भी पार्टी मेजोरिटी में नहीं है, तो भी अगर प्रेसिडेंट चाहे तो वो खुद से बिना किसी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस के हाउस को डिसॉल्व कर सकते हैं। वहीं कुछ पावर होते हैं जो कि वो
ऑफिसर सबॉर्डिनेट के एड एंड एडवाइस पे ही कर सकते हैं। तो यहाँ ऑफिसर सबॉर्डिनेट क्या इंक्लूड करेगा, तो ये कोर्ट ने बोला था एम्पायर वर्सेज शिवनाथ बनर्जी में दैट सबॉर्डिनेट ऑफिसर इंक्लूड करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। वहीं राम जवाहर कपूर वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब, यूएनआर राव वर्सेज इंदिरा गांधी, सरदारी लाल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, शमशेर सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब एंड आरसी कुबर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में कोर्ट ने सेम बात बोला था दैट हमेशा प्रेसिडेंट जो भी काम करेंगे वो ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही करेंगे, बिना एड एंड एडवाइस के वो कोई भी काम नहीं करेंगे। नाउ सिमिलर है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द गवर्नर, जो कि एक वो एक्सरसाइज करते हैं खुद से हिमसेल्फ एंड एक को करते हैं बाई ऑफिसर सबॉर्डिनेट। नाउ जो खुद से करते हैं वो भी सेम ही है, अगर हंग हाउस हो गया और उसमें चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करना तो वो अपॉइंटमेंट कैसे करेंगे, वो खुद से करेंगे। एंड यहाँ पे भी सेम बात है, ऑफिसर सबॉर्डिनेट इंक्लूड करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और गवर्नर हमेशा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस पे ही काम करेंगे। नाउ हमने अभी देख लिया द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ गवर्नर एंड प्रेसिडेंट। नाउ नेक्स्ट है द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर, यानी कि प्रोमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस। ये दिया हुआ अंडर आर्टिकल 123 एंड 213 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ 123 बात करता है प्रेसिडेंट के पावर का, अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो वो ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं जो कि एग्जिस्टेंस में रहेगा 6 महीने के लिए एंड उसको जिस दिन भी पार्लियामेंट सेशन में आएगा उसके 6 वीक के विदिन अप्रूवल मिल जाना चाहिए। वहीं आर्टिकल 213 बात करता है गवर्नर के पावर का ऑर्डिनेंस इशू करने का, जहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर सेशन में नहीं है और वो भी वैलिडिटी होगा उसका 6 महीने का, जिसको कि 6 वीक के अंदर अंदर जिस दिन रीअसेंबल होगा स्टेट लेजिस्लेचर उसके 6 वीक के अंदर अंदर अप्रूवल मिल जाना चाहिए। तो मैक्सिमम लाइफ क्या है हमारे ऑर्डिनेंस का, वो होता है 6 मंथ एंड 6 वीक। डीसी वाधवा में कोर्ट ने बोला था दैट किसी भी ऑर्डिनेंस का बार बार प्रोमलगेशन करना, रीप्रोमलगेशन करना इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। आरसी कुबर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में कोर्ट ने बोला था दैट जो भी ऑर्डिनेंस पास किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा वो ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही होता है। एंड बाई दी 38 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 123 में क्लॉज 4 ऐड किया गया था, जिससे बोला गया था दैट जो प्रोमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस किया गया है वो जुडिशियल रिव्यू के परव्यू से बाहर होगा। इसको कोर्ट ने रिजेक्ट करते हुए स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में इस आर्टिकल को अनकॉन्स्टिट्यूशन बोला था एंड बोला था दैट सेटिस्फैक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इज सब्जेक्ट टू लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू एंड 44th अमेंडमेंट से इट्स क्लॉज को हटा दिया गया था। नाउ जुडिशियल पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव दिया हुआ है अंडर आर्टिकल 72 एंड आर्टिकल 161, जहाँ पे दोनों प्रेसिडेंट एंड गवर्नर के पास पावर है किसी भी पर्सन को माफ़ी देने का। नाउ इन हरबर सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी में कोर्ट ने बोला था दैट अगर एक पर्टिकुलर क्राइम में 2 से ज़्यादा लोग पनिशमेंट के लिए हकदार है, यानी कि 1 से ज़्यादा लोगों को हैंग किया जाएगा, तो उस केस में सभी को साथ साथ हैंग करना है, किसी को भी अलग अलग दिन पे हैंग नहीं कर सकते। इसी कारण से आप लोगों ने देखा होगा निर्भया वाले केस में जहाँ पे लोगों को फांसी देने में टाइम लग रहा था बिकॉज सभी को साथ साथ हैंग करना था। वहीं कोर्ट ने कहर सिंह में बोला था दैट ये जुडिशियल पावर ऑफ द एग्जीक्यूटिव इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू और अगर मैलाफाइड ग्राउंड में हुआ है तो इसको स्टे भी लगा जा सकता है। वहीं शत्रुघ्न चौहान में कोर्ट ने बोला था दैट अगर डिले हो रहा है मर्सी पिटीशन के डिस्पोजल में तो इन दैट केस जो डेथ पेनल्टी है उसको कम्यूट करके लाइफ इंप्रिजनमेंट भी किया जा सकता है। इसी के साथ वी हैव कम टू एंड ऑफ आवर दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड काइंडली सब्सक्राइब करें, यह आपका तरीका है हमें मोटिवेट एंड सपोर्ट करने का। एंड फॉलो करें हमारे सारे सोशल मीडिया के हैंडल पे, सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए। थैंक यू एवरीवन।